अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युदब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजैनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। और जब हमने तुमको फ़िरऔनियों से निजात दिया जो तुम्हें बदतरीन अजाब दे रहे थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते और बेटियों को ज़िंदा छोड़ देते। इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी और तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें उस पार कर दिया और फ़िरऔनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने उसमें डुबो दिया। नाज़रीन किराम, ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 49 और 50 है। इस आयत में भी अल्लाह ने बनु इसराइल से ख़िताब किया। ज़ाहिर सी बात है, बनु इसराइल नज़ुल कुरान के वक्त मौजूद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में मदीना में मौजूद थे और सबसे ज़्यादा सरकशी वो करते थे। अहले किताब थे, पढ़े लिखे थे, तो अल्लाह उनसे ख़िताब करके कह रहा कि सुनो, ये कितना बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। उस वक्त को याद करो कि जब फ़िरऔन और उसके मानने वाले फ़िरऔनी तुम्हारे घरों में जब कोई बच्चा पैदा होता तो सीधे उसको ज़बह कर देते। छोटे बच्चे को मारने में क्या, पैदा हुआ गला दबा दिए, एक मामूली छुरी चला दिए, मर गया। और बेटियों को ज़िंदा छोड़ देते थे। जितने बच्चे पैदा होते सबको ज़बह करवा देता कि न बच्चे रहेंगे और न तो मेरी सल्तनत ज़ाय होगी। ये उसकी सोच थी, इतनी ही अक्ल थी, हुक्मरान दुनिया का था। तो अल्लाह ने कहा कि देखो वो कितना दर्दनाक वक्त था कि एक दिन में अब जितने भी बच्चे पैदा हों सब मार डाले जाएं, बच्चियां जिंदा छोड़ दी जाएं। और इस आजमाइश में, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बहुत बड़ी मेहरबानी थी। एक बहुत बड़ा इनाम भी है तुम्हारे ऊपर कि इस मुसीबत से तुम्हें निकाला। आजमाइश भी थी, तो उस आजमाइश से निकलने के बाद तुम रब का शुक्रिया अदा करो, उस रब की इबादत व बंदगी करो जिसने तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिया। उसके रसूल पर ईमान लाओ जिसने उन्हें भेजा है। आखिरी किताब को मानो जिसने आसमानी किताबों की तरह इस किताब को भी भेजा है। फिर अल्लाह ताला इस नेमत का जिक्र करके, उनके निजात पाने का जिक्र करके, उन पर दूसरे एहसान का जिक्र कर रहा है। वइद फरकना बेकुमुल बहर, हमने तुम्हारे लिए दरिया को चीर दिया। वो कैसे? जब फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल को कत्ल करते जा रहा है, बच्चों को और सबको सताते जा रहा है, अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल के जो लोग आपके साथ थे उनको ले करके निकल गए। बनु इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चले गए, जो भी उस वक्त आपके पास थे सब चले गए। लेकिन जब फ़िरऔन के महल के आसपास से और उसके एरिया से निकले तो सामने दरिया पड़ गया। दरियाए कुलज़ुम का जिक्र है। और फ़िरऔन को सुबह खबर मिली कि मूसा और बनु इसराइल भाग गए यहाँ से, तो बहुत गुस्सा हुआ कि मेरी इजाज़त के बगैर निकल गए। और लश्कर तैयार किया, ऊँट घोड़ों के साथ कहा चलो पीछा करो। और जब फ़िरऔन का लश्कर पहुंचा है, मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल उस दरिया के पास जाकर रुक गए क्योंकि आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। और पीछे से फ़िरऔन का लश्कर आता हुआ देखा तो घबरा गए। फलम्मा तरा अल जमआन क़ाल अस्हाब मूसा इन्ना लमुद्रकून। देखा उस लश्कर को तो घबरा कर कहते हैं कि मूसा अब हम पकड़ लिए गए, धर लिए गए, अब कहाँ जाएं? पीछे फ़िरऔन का लश्कर है, वो मार डालेगा, आगे जाएंगे दरिया है, उसमें डूबकर मर जाएंगे। ये नाजुक वक्त था तसल्ली दिलाने का। मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली जब दिलाई तो अल्लाह ने उसको बयान किया, क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। जब आदमी जान जाते हुए देखता है ना, तो उस वक्त की घबराहट बड़ी ख़तरनाक होती है और उस वक्त की तसल्ली भी बड़ी अहमियत रखती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हो हिजरत के सफ़र में जब गारे सौर में थे तो उनकी भी घबराहट यही थी ना, सिर्फ निगाह नीची कर ली तो हमें पकड़ लेंगे, देख लेंगे। इद यक़ूलु लिसाहिबिही, जब अपने साथी से कह रहे हैं गार के अंदर, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, रंज मत करो अल्लाह हमारे साथ है। वो नाजुक घड़ी कि मक्का के लोग दुश्मन जो थे जान के पीछे पड़े थे, जिस तरह फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल की जान के पीछे पड़ा था, दौड़ा रहा था और बनु इसराइल देखकर घबरा गए, उसी तरह मक्का के मुशरिकीन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के पीछे पड़े थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए, तो नबी ने कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल्ला इन्न मअिया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा। जितना बड़ा नाजुक वक्त होता है उतनी ही बड़ी इस्तिक़ामत और हिम्मत अल्लाह ताला देता है अल्लाह वालों को। फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर, अब हमने मूसा को तसल्ली दी, मूसा का यकीन था कि मेरा रब रास्ता बताएगा। अल्लाह ने मूसा को वही के ज़रिए बात बताई, ये हुक्म दिया कि अपनी लाठी को इस समुंदर पर, इस दरिया पर मारो। फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, तो अब रास्ते बट गए दरिया में, और रास्ते लाठी पर मारा तो ऐसा रास्ता कि जैसे मजबूत चट्टान, उस पर से आदमी निकल जाए, गाड़ी निकल जाए, सवारी निकल जाए। तो ये अल्लाह का मोजज़ा था जो मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ने अता किया था। मोजज़े के बाब में बहुत सारे लोग इसका इनकार करते हैं, मोजज़ात नबवी का। मोजज़े का इनकार सुन्नत का इनकार करना है। बहुत बड़ी शख्सियत हमारे मुल्क में गुजरी है, हम जैसे लोग जब उन पर गुफ्तगू करें तो एक बड़ा तबका मजाक उड़ाएगा कि कहाँ ये कहाँ वो, लेकिन जब बात अल्लाह के दीन की है, सुन्नत की है, तो सुन्नत को पेश करना ज़रूरी है। वहाँ शख्सियत की रियायत नहीं की जाती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद मोहम्मदन कॉलेज की शक्ल में सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी, सर सैयद साहब ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, मोहम्मदन कॉलेज बनाया था। उनके मरने के 25 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी कायम की गई है और यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। लेकिन ठीक है, एक हंगामा, शोर, मीडिया में एक चीज़ राइज है, तारीख़ यही है। उन्होंने अपनी तफसीर में मोजज़ात की बातों का इनकार किया है, चाहे वो मोजज़े कुरान को हो या सुन्नत के हों। मोजज़ात की एक तावील की है, एक उसकी तस्वीर पेश की कि इससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है। उनकी तफसीर उठा कर देखिए तो मोजज़ात का उन्होंने एक तरह से उसको खिलौना, तसल्ली, अलग मफहूम दिया है। हमारा जो मौक़िफ़ अहले सुन्नत वल जमात का और दुनिया के मुसलमानों का, कि मोजज़े अल्लाह अपने रसूलों के ज़रिए ज़ाहिर करता है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया को जहाँ ज़रूरत पड़ी मोजज़ा अता किया। मोजज़े का इनकार करना कुफ्र है। बुज़ुर्गों से गलतियाँ हुई, उन गलतियों की तावील और तौजीह हम नहीं करेंगे। सुन्नत सुन्नत है, इससे बड़ी कोई शख्सियत और कोई हस्ती नहीं है। एक यूनिवर्सिटी नहीं, 10 यूनिवर्सिटी कौम को कोई दे दे और नबी की एक सुन्नत की मुखालफत कर दे, तो उस सुन्नत की मुखालफत की वजह से उस शख्सियत की तायद नहीं की जाएगी, बल्कि उस पर रद्द किया जाएगा और उनके गलत नज़रियात को आवाम तक पहुँचाया जाएगा। दीन अल्लाह की अमानत है, इसमें शख्सियतें बड़ी नहीं होती, सुन्नत बड़ी होती है, रब का हुक्म बड़ा होता है। दीन को शख्सियतों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि शख्सियात को दीन से पहचाना जाता है कि कितना ज़्यादा ये दीन से जुड़े हुए थे। और शख्सियतों को पहचानने का मतलब कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया वही दीन है, जो नहीं काम किया वो दीन नहीं, तो दीन इसका मोहताज नहीं है। ये मोजज़े के ताल्लुक़ से बात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर लाठी को मारा और उसके बाद रास्ते बन गए, पानी के अंदर पहाड़ की तरह मजबूत रास्ते बन गए और चले गए, दरिया पार कर गए। उसके बाद जब फ़िरऔन आया तो फ़िरऔन मारे गरूर और घमंड के कहता है ये रास्ता तो मेरे लिए है, चलो इसी में चलो। और उसके बाद फ़िरऔन उसी दरिया में उतर गया लश्कर के साथ। वअगरक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून, तुम देखते रह गए, तुम्हारी निगाहों के सामने हमने फ़िरऔन को डुबो दिया, मार डाला। तो ये कितनी बड़ी नेमत और इनाम था कि जिंदा जो बच्चे ज़बह किए जा रहे थे उनकी हिफाजत की, खुद बनु इसराइल बिल्कुल नरगे में आ गए थे। अगर रास्ता न बनाता अल्लाह ताला तो कहाँ थे, मर जाते सब। लेकिन ये अकीदा कि कल्ला इन्ना माइया रब्बी सहदीन, कड़े वक्त में मजबूत अकीदे से अल्लाह ने रहनुमाई की और फिरऔन उनकी आंखों के सामने दरिया में डूब करके मर गया। तो इन आयतों में दो नेमतें हैं। पहली नेमत अजाब इलाही से निजात, फिरौनी जुल्म से निजात। दूसरी नेमत जालिम को उनकी आंखों के सामने डुबो करके मार दिया ताकि नफ्सियाती तौर से मुतमईन भी हो जाए कि अब कोई ख़तरा नहीं है, दुश्मन मर गया। तो ये बहुत बड़ी आज़ादी अल्लाह ने उनको दी। तो ये दो आयतें जो सूरह अल बकरा की 49-50 हैं, इनसे जो मसाइल साबित होते हैं, पहला मसला कि बनु इसराइल को अल्लाह ने दो मरतबा आज़ादी दी और दो कड़े नाजुक मौके पे उनकी जान बचाई। पहला मौका जब उनके बेटों को वो जिंदा ज़बह कर देता था, अल्लाह ने उससे आज़ादी दी। दूसरा मौका जब वो दरिया के किनारे पहुंच गए, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। अब फिरौन का लश्कर कत्ल के दर पर है, दरिया डुबा देगा, अल्लाह ने वहाँ भी निजात दिया। तो दो नाजुक मौके पे बनु इसराइल को अल्लाह ने सलामती अता की। दूसरा मसला इस आयत से जो साबित होता है कि फिरौन और फिरौनियों के जुल्म की इंतहा, यानी जुल्म के साथ जिल्लत जलील करके मारता था कि जहां बच्चा पैदा हुआ लाओ कत्ल कर दो, यानी जलील भी कर रहा है और जुल्म भी कर रहा है। कि ये मामूली जिल्लत नहीं है कि बेटों को माओं की गोद से छीन के ज़बह कर दिया जाए, बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। यानी जिल्लत और जुल्म दोनों जमा हो गया कि औरतें जिंदा रहेंगी, मर्द मर जाएंगे। तो औरतें जिंदा रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? फिर फिरौन उनके साथ जुल्म करेंगे, बदकारी करेंगे। तो इस अजीम और ख़तरनाक जुल्म और जिल्लत से अल्लाह ने बनु इसराइल की हिफाजत की। तीसरा मसला जो इन आयतों से साबित होता है, अल्लाह ताला ईमान वाले बंदों को आजमाता है। फिरौन के मुकाबिल बनु इसराइल ईमान वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, उनके पैरोकार थे। फिरौन जुल्म में नहीं है, फिरौन को कोई नहीं जलील कर रहा, बल्कि बनु इसराइल को फिरौन अपनी ताकत से जलील कर रहा है। तो ईमान वालों को अल्लाह कभी आजमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए ये लोग, लेकिन आजमाइश का शिकार हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है कि अजबन ले अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब, बड़ा निराला है। इन अम्रहु कुल्लहु खैर, मोमिन का हर मामला भलाई से जुड़ा हुआ है। और ये खूबी सिर्फ ईमान वाले मोमिन को मिलती है। जब उसे कोई खुशी पहुँचती है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, ये उसके लिए भलाई है कि शुक्रिया अदा करेगा तो नेमतें बढ़ जाएगी। जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है, ये भी भलाई है। इन्नमा युवफ़स्साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह बिला हिसाब बदला देता है। तो सब्र और शुक्र, इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान ईमान वाले की ज़िंदगी है। और जहाँ सब्र और शुक्र हमारी ज़िंदगी से छिन गया, ख़त्म हो गया, तो ईमान की लज्जत ख़त्म हो गई और वो भलाई और खैर से हम महरूम हो जाएंगे। इसलिए सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा मसला जो इन आयतों से साबित होता है, अल्लाह की हिकमत। अल्लाह कितना बड़ा हकीम है कि जो अपने बंदों को आजमाता है, नवाजता है और जालिम को उनकी आंखों के सामने जिल्लत के साथ मौत देता है। इसकी हिकमत अल्लाह के पास है और अल्लाह का राज बंदा नहीं जानता। लेकिन ये वाक़यात सबक देते हैं कि अल्लाह हकीम है, हर चीज़ पर कादिर है। कोई कितना बड़ा बुलंद हो जाए, अल्लाह की कुदरत को नहीं चैलेंज कर सकता। फिरौन कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन जब रब की पकड़ आई तो रब पर ईमान लाने के लिए चिल्लाने लगा। रब ने उसे ठुकरा दिया, कहा अब तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है। पांचवा मसला जो इन आयतों से साबित होता है कि आजमाइशें अलग अलग आती हैं। जिस दर्जे का बंदे का ईमान होगा वैसे ही आजमाइश आएगी। गुनाहगार को आजमाइश नहीं आती, इसका मतलब नहीं कि वो अल्लाह के करीबी है, वो अल्लाह ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है। अशद्दुन्ना से बलाअन अलंबिया थुम्मा अल अम्सल फल अम्सल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे कड़ी आजमाइश अल्लाह अपने नबियों की करता है, फिर नबियों के नक्शे कदम पर चलने वाले, फिर उसके बाद चलने वालों की करता है। और नबियों की आजमाइश के ज़रिए सब्र और शुक्र को देखता है। सब्र अय्यूब इसीलिए मशहूर है, और अंबिया की पूरी ज़िंदगी में शुक्र और सब्र भरा हुआ है। अल्लाह ताला आजमाइश को अलग अलग अंदाज में बंदों के पास भेजता है। जो जितना करीबी होता है उतनी कड़ी उसकी आजमाइश होती है, और आजमाइश में खरा उतरने के लिए सब्र का होना ज़रूरी है। और आजमाइश से आदमी निजात पा जाए तो शुक्र नेमत ज़रूरी है। छठा मसला इन आयतों से जो साबित होता है कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को उस बहते दरिया से पार कराया। दरिया बह रहा है और फिर पानी को रोक दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि बहते दरिया को ठहरा देना, चाहे तो सूरज को ठहरा दे, चांद को ठहरा दे, वक्त को ठहरा दे। ये ताकत और किसी के पास नहीं है कि वो चढ़ते सूरज चलते को ठहरा दे। ये जो मशहूर है ना लोगों में, अली रजी अल्लाह उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी असर की तो सूरज को हुक्म मिला कि वापस आओ, फिर डूबना, वापस आया नमाज पढ़ ली फिर डूबा, ये सब फजूल मनगढ़ंत चीज़ें हैं। अली रजी अल्लाह की शान में गुलू है। चलते सूरज को रोकना, ठहराना, ये अल्लाह के हाथ में है। और कभी कुछ मोजिज़ात अल्लाह अपने रसूलों के ज़रिए ज़ाहिर करता है कि ये देखो मैं इस पर कादिर हूँ, जैसे यहाँ चलते हुए दरिया को ठहरा दिया, रोक दिया। सातवां मसला कि दुश्मन को सामने, निगाहों के सामने डुबो दिया। निगाहों को सामने डुबोने से बने इसराइल को नफ्सियाती अजाब से निजात मिल गया। जैसे दुश्मन से बच भी गए ना, तो आदमी कहीं भी रहता है तो खौफ लगा रहता है, हो सकता है कोई दरवाज़ा तोड़ के आ जाए, हो सकता है कोई मुखबिरी कर दे। लेकिन जब दुश्मन मर गया तो वो नफ्सियाती जहनी अजाब ख़त्म हो गया। वअगरक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून, तुम देख रहे थे, तुम्हारी निगाहों के सामने फ़िरऔन और फ़िरऔनी लश्कर को हमने डुबो दिया। आठवां मसला जो इस आयत से साबित होता है कि जो लोग ये समझते हैं कि दुनिया में कामयाबी सिर्फ नई ईजादात, नई टेक्नोलॉजी से है, उसके बगैर मुसलमान पीछे रह जाएंगे, ये सोचना गलत है। नई ईजादात, नई टेक्नोलॉजी एक नेमत है, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इसे ईजाद करे वही इस्तेमाल करे। शानदार गाड़ियाँ, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ जापान, अमेरिका में बनती हैं। उन गाड़ियों की सवारी वो नहीं करते जितने अच्छी तरह से अरब के लोग उन गाड़ियों पे चलते हैं बिज़नेस के लिए। हमारे हिंदुस्तान में जो अच्छा सामान, अच्छी क्वालिटी होती है, आप यहाँ नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट के माल में जाइए, अरब कंट्री में सब पा जाएंगे। तो किसी के पास कोई चीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि वो इस्तेमाल भी करे। ये तो एक दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया का मामला, कारोबार, बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अहद नबी में हथियार वगैरह नहीं बनते थे, लेकिन यहूद से हथियार लिए जाते थे, हथियार ख़रीदे जाते थे। कौन सी बड़ी चीज़ है? हथियार का मुआहदा होता है दुनिया की ताकतों से कि ये हथियार हमें इतनी कीमत पर दो, ये सामान इतनी कीमत पर दो। तो ये कहना कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी ख़रीदी जा सकती है और सारी सहूलतें ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन दीन पर इस्तिकामत, ईमान और अक़ीदा ख़रीदा और बेचा नहीं जा सकता। अल्लाह की मदद सच्चे मोमिन के साथ आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, गारे सौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ईमान इतना मजबूत था। क़ाल कल्ला इन्न मइय रब्बी सयहदीन, और 12 रास्ते फूट गए, 1, 2, 4 नहीं, 12 रास्ते। तो ये जो मिजाज बना है कि बग़ैर टेक्नोलॉजी के तरक्की नहीं करेंगे, ये गलत है। टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है एक जगह कि उलूम में सबसे अफजल और अशरफ और बेहतरीन इल्म इल्म दीन और इल्म शरीयत है। उसके बाद इल्म तिब है, मेडिकल, जिससे इंसान जिस्म का इलाज करता है। उसके बाद सारे उलूम, अभी कुछ उलूम आए हैं, कुछ दुनिया जब तक रहेगी नई ईजादात होंगी, उन उलूम के बारे में मुसलमान महारत हासिल करें। इल्म के बारे में दूसरों पर इन्हिसार न करें, ये मुसलमान का होना चाहिए तरीक़ा। लेकिन अगर उलूम असरिया या टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है तो इससे मुसलमानों के इस्लाम पर, दीन पर, इस्तिकामत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैदल भी लोग हज करके आते थे, समुंदरी रास्ते से भी जाते थे, हवाई जहाज़ से भी जाते थे, लेकिन क्या तवाफ़ काबा रुका, हज का फरीज़ा रुका? अमल में, इबादत में कमी नहीं आनी चाहिए। जो नई ईजाद, नई टेक्नोलॉजी हो, अल्लाह की नेमत के तौर पर उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसे मुसलमान ईजाद करे चाहे गैर मुस्लिम। जैसे दूसरे सामान ख़रीदे जाते हैं वो भी ख़रीदे जाएंगे, वो अपने लिए थोड़ा सिर्फ बनाते हैं, वो बिज़नेस और कारोबार के लिए बनाते हैं। इसलिए इस तरह की घटिया सोच, महदूद सोच और मुसलमानों को स्कूलों में जाके, बच्चों के दरमियान जा कर के उन्हें दीन से दूर करना, कुरान पढ़ने से दूर करना, दुआएं सीखने से दूर करना, सीरत सीखने से दूर करना कि देखो तुम लोग इसी वजह से पीछे हो, साइंस टेक्नोलॉजी में आओ, ये सब फजूल और शैतानी चीज़ें हैं। साइंस टेक्नोलॉजी सीखी जाए, ज़बान सीखी जाए, लेकिन ये कहना कि कुरान सुन्नत और दीन की वजह से पीछे हो, ये शैतानी गुफ्तगू, शैतानियत है। दीन और इस्तिकामत से आदमी पीछे नहीं होता, अल्लाह से करीब होता है। वक्त का इस्तेमाल करे, ज़बान का, माल का, दौलत का, इल्म सीखे, इसमें कोई हरज, कोई पाबंदी नहीं है। कौम समूद जिस ज़माने में पहाड़ों को तराश करके मकानात बनाती थी, वो टेक्नोलॉजी आज भी किसी के पास नहीं। बड़े बड़े टावर बन जाएंगे, लेकिन पहाड़ों को तराश करके ऐसे कमरे, हुजरे, महल बनाते कि दुनिया दंग रह जाती, क्या ऐसा भी हुआ है? तो टेक्नोलॉजी घटती है, बढ़ती है, सलाहियतें घटती बढ़ती है, लेकिन ईमान के साथ बंदा इन नेमतों का इस्तेमाल करे, इन वसाइल का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, तो उसकी लज्जत कुछ और है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, अमल सालेह की तौफ़ीक़ बख्शे, ईमान और अक़ीदे और दीन पे इस्तिक़ामत और हमें हौसला और बुलंदगी अता फ़रमाए, हमें पस्त हिम्मती से दूर रखे। हमारे बच्चे जो स्कूलों में, मदरसों में पढ़ते हैं, उनको अज़्म और हौसला अता फ़रमाए कि मदरसों में पढ़ो चाहे स्कूलों में पढ़ो, दीन पर इस्तिक़ामत ये अल्लाह की नुसरत का ज़रिया है। दुनिया बहुत वसी है और आगे बढ़ोगे, जिस इल्म, जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, सहूलत के लिए तुम्हारे ईजाद हुई है। जहाँ जो चीज़ चाहो मुनासिब समझो, सीख करके इस्तेमाल करो, किराए पर लेकर इस्तेमाल करो, कोई हरज नहीं है। अल्लाह हमें इल्म की बरकत से नवाजे, आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन किराम, सूरह बकरा की आयत नंबर 50 के बाद हम अनकरीब आपकी खिदमत पे इंशाअल्लाह आयत नंबर 51 के साथ हाजिर होंगे। आप जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।